में एक आधुनिक स्मारक है भारत के वर्तमान परिदृश्य की अगर बात की जाए तो। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने संबोधन में कुछ देर पहले न केवल आभार व्यक्त किया विभिन्न एजेंसीज का जिन्होंने अटल टनल को मूर्त रूप लिया है, किस तरीके से अटल टनल की यात्रा आगे बढ़ी है उसके विषय में बात की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए जो अलग अलग संस्थाओं को, अलग अलग मंत्रालयों को उनके संबोधन के माध्यम से प्रेषित हुए हैं। और प्रधानमंत्री महोदय की ये बहुत बड़ी ख़ास बात है कि वो हमेशा कुछ न कुछ नई बात कहते हैं, कुछ न कुछ नया संकेत देते हैं और उसमें संकल्प, संकल्प से सिद्धि, आगे बढ़ने की जो एक प्रवृत्ति है और सबसे बढ़कर देश की सेवा, देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करना सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल। और आज का ये अटल टनल का उद्घाटन समारोह इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम कहा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, उनमें सुधार की कुछ दिशाओं में काम हो रहा है, कुछ में प्रगति होने की संभावना। हिमाचल देश के उन प्रमुख कुछ राज्यों में शामिल है जो कि बिजली की जो व्यवस्था है वो लगभग पूरे राज्य में मौजूद है और यहाँ पर अटल टनल के आसपास के इलाके में जो विकास कार्य आगे आने वाले दिनों में संभावित हैं किए जाने हैं उनके बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय को जानकारी दी जा रही है। उनके साथ उपस्थित हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, राज्य के प्रमुख होने के नाते उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। हर तरीके की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था उसे सुगम और सुचारू रूप से उपलब्ध कराना, हिमाचल प्रदेश सरकार का भी बहुत अहम योगदान रहा है अटल टनल को मूर्त रूप देने में। राज्य के विकास से जुड़ी गतिविधियां हों या फिर भावी परियोजनाएं, हर एक के बारे में यहां पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जानकारी दी जा रही है। और ये एक अच्छा अवसर है जब राज्य के प्रमुख और देश के प्रमुख एक साथ हों तो भावी गतिविधियों पर चर्चा होती है, उसमें कुछ सुझाव भी आते हैं और फिर भविष्य की रणनीति भी तैयार होती है। हिमाचल प्रदेश न केवल प्राकृतिक और नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण है बल्कि एक और ख़ास बात यह है कि पन बिजली या हाइड्रो पावर जो है वो प्रचुर मात्रा में यहाँ पर उत्पन्न की जाती है और दूसरे राज्यों को उसका निर्यात भी किया जाता है, दूसरे राज्यों को भी उपलब्ध कराई जाती है पन बिजली। चूँकि हिमाचल प्रदेश का पूरा इलाका, जो पूरा टेरेन है वो पहाड़ी इलाका है, हिली टेरेन है, जहाँ पर पूरे साल भर बहने वाली नदियाँ उपलब्ध हैं, पन बिजली के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को यहाँ अटल टनल के उद्घाटन के अवसर पर इस विषय में भी अवगत कराया जा रहा है। ऐतिहासिक अवसर और इस मौके पर प्रधानमंत्री को राज्य से जुड़ी कई जानकारियां विस्तार से दी जा रही है और पूरे मनोयोग से माननीय प्रधानमंत्री राज्य से जुड़ी इन चीजों के बारे में अवगत हो रहे हैं। हमेशा से उनका मानना रहा है कि देश की प्रगति तभी संभव है जब हर राज्य
तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे और प्रकृति की अनुपम खूबसूरती को समेटे हिमाचल प्रदेश पिछले कुछ वर्षों में तरक्की और उन्नति की राह पर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते हुए मिसाल कायम कर रहा है। ये मॉडल और मॉडल के माध्यम से कई जानकारियां डिजिटल डेमोंस्ट्रेशन भी किया जा रहा है प्रधानमंत्री के सामने। ऊंची ऊंची पर्वत चोटियों पर बर्फ का नजारा बहुत रोमांचित करने वाला। हरी भरी वादियां, खिली धूप, अटल टनल का लोकार्पण समारोह, सब मिलकर एक विहंगम नजारा। और जब खुद माननीय प्रधानमंत्री उपस्थित हों, उनके साथ रक्षा मंत्री हों, तो सबकी निगाहें उन पर ही टिक जाती है। और ये रूप वे मॉडल के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि कैसे पर्यटकों के लिए खास तरह की सुविधा उपलब्ध है और आने वाले समय में और इसे आधुनिक बनाया जाएगा। देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों के पर्यटक यहां बरबस ही खींचे चले आते हैं। लंबे इंतजार के बाद अब से कुछ देर पहले माननीय प्रधानमंत्री ने अटल टनल रोहतांग राष्ट्र को समर्पित किया। अटल टनल रोहतांग के दो छोर हैं, साउथ पोर्टल और नॉर्थ पोर्टल। साउथ पोर्टल पर उद्घाटन समारोह हुआ जिसमें प्रधानमंत्री के साथ देश के रक्षा मंत्री, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, वित्त राज्य मंत्री सहित कई गणमान्य अतिथि भी उपस्थित थे। और प्रधानमंत्री का काफिला नौ दशमलव शून्य दो किलोमीटर यानी 9 किलोमीटर 20 मीटर लंबी इस सुरंग के हर एक गतिविधि विशेषता का मुआयना करने खुद प्रधानमंत्री साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल की तरफ बढ़ते हुए। टनल में जगह जगह पर गति सीमा भी तय की गई है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ साथ कहीं कहीं पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी वाहन के चलने की सुविधा उपलब्ध है। सिंगल ट्यूब और डबल लेन वाली ये टनल दुनिया भर के वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस समय प्रधानमंत्री साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल की तरफ बढ़ते हुए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का काफिला इस समय अटल टनल से गुजर रहा है जो दक्षिणी छोर से उत्तरी छोर का 9.02 किलोमीटर का रास्ता तय कर रहे हैं और प्रत्यक्ष अवलोकन हो रहा है उन सभी सुविधाओं का, उन सभी उन्नत तकनीकों का
जिनका इस्तेमाल अटल टनल के निर्माण में हुआ है, आज जिसने मूर्त रूप लिया है, आज जो सपना साकार हुआ है देशवासियों का, हिमाचल प्रदेश के निवासियों का, लाहौल स्पीति के निवासियों का, वर्षों की साधना आज संपन्न हो रही है और देश का सर्वोच्च नेतृत्व आज इसका साक्षी बन रहा है। अटल टनल, इसकी चौड़ाई 10.5 मीटर, जिसमें दोनों ओर 4-4 मीटर की डबल लेन है और 1-1 मीटर के फुटपाथ बनाए गए हैं दोनों छोर पर। घोड़े की नाल के आकार की हॉर्स शू शेप्ड टनल है ये। हर 20 मीटर पर इंडिकेटर्स लगाए गए हैं। 150 मीटर की दूरी पर 4G सुविधा टनल में उपलब्ध है संचार व्यवस्था, प्रसारण व्यवस्था, स्वचालित दुर्घटना जानकारी व्यवस्था, सभी प्रबंध इस अटल टनल को एक विश्वस्तरीय मॉडल बनाने की दिशा में जो प्रयास हुए थे उन्होंने आज मूर्त रूप लिया है। हर 2.2 किलोमीटर पर टर्निंग केव्स हैं, टर्निंग कैवर्न्स हैं, 250 मीटर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये वो विहंगम दृश्य हैं जो आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। हर 1 किलोमीटर पर इस टनल में वायु गुणवत्ता निगरानी का भी प्रबंध किया गया है, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग का। टनल के निर्माण में 14,508 मीट्रिक टन स्टील, 2,37,596 मीट्रिक टन सीमेंट और 1,01,336 मीट्रिक टन कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ है। 14,00,000 घन मीटर मिट्टी और पत्थर निकाले गए। जैसा हमने पहले जिक्र किया था, खुदाई के लिए टनल बोरिंग मशीन्स का इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि ड्रिल और ब्लास्ट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। हर 20 मीटर पर सांकेतिक व्यवस्था की गई है कि आगे इस टनल से गुजरने वालों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, फायर हाइड्रेंट्स हैं, अग्निशमन की व्यवस्था है। हर 60 मीटर पर यह व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। उपकरण जो कि आवश्यक हैं इस टनल के संचालन को सुचारू रूप से बनाने के लिए, वे सभी लगाए गए हैं। पूरी टनल में केबल का जाल बिछा हुआ है संचार व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट्स हैं तो 150 मीटर पर टेलीफोन की सुविधा है। यानी कुल मिलाकर के एक विश्व स्तरीय प्रबंध इस 9 किलोमीटर के अटल टनल के अंदर किया गया है। बहुत सारी विशेषताओं और खासियतों को समेटे अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल से प्रधानमंत्री नॉर्थ पोर्टल की तरफ जा रहे हैं। ये टनल सेमी ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम पर आधारित है। SCADA नियंत्रित अग्निशमन प्रणाली भी इसमें लगी हुई है और प्रकाश की शानदार व्यवस्था है, कहीं से किसी को भी परेशानी ना हो। जैसे जैसे यहां पर ट्रैफिक खुलेगा, लोगों की आवाजाही होगी। एक अनुमान के अनुसार एक दिन में 1500 ट्रक और 3000 से ज्यादा कारें एक छोर से दूसरे छोर का सफर तय करेंगी। इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्रणाली से लैस है ये टनल और जगह जगह पर यहां पर आने वाले लोगों का स्वागत करने के लिए और ये जानकारी देने के लिए कि ये टनल कितनी ऊंचाई पर है, सीमा सड़क संगठन के तरफ से सूचनाएं भी प्रदर्शित की जा रही हैं। किसी को कोई परेशानी ना हो इसलिए यहां पर एक स्केप टनल भी बनाई गई है, यानी टनल के नीचे टनल। अगर टनल में किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है जिसके सहारे तुरंत ही इस स्केप टनल का प्रयोग किया जाएगा और उसके सहारे
जो वाहन हैं या फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। अपने आप में ये बेहद अनूठा, और ये वो जगह है जहां पर जो प्राकृतिक रूप से पानी आता है वो इकट्ठा होता है, और ये समझाने के लिए बहुत काफी है कि कितनी मशक्कत के बाद ये सुरंग तैयार हुई है। ये स्केप टनल है, टनल के नीचे टनल। अगर आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ टनल को बनाने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, तो जरा इस पर भी सोचिए कि टनल के नीचे आपातकालीन टनल बनाने के लिए कितनी गहरी सोच, परिश्रम, लगन और उसके ऊपर से जीतोड़ मेहनत करनी पड़ी होगी। अपने आप में एक मिसाल है ये अटल टनल, जिसका आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत उद्घाटन किया, उसे राष्ट्र को समर्पित किया, जिसमें रोवा फ्लायर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। इंजीनियर्स इन्वर्टेड लेवल्स पर काम कर सकते हैं इस टनल में। दुनिया की चुनिंदा जो टनल्स हैं उनमें ये शामिल है, जिसमें एक एस्केप टनल की भी उपस्थिति है। जो मुख्य टनल है उसकी ऊंचाई है 10 मीटर, चौड़ाई है 10.5 मीटर, लंबाई है 9.02 किलोमीटर, और जो एस्केप टनल है उसकी ऊंचाई है 2.25 मीटर और चौड़ाई है 3.6 मीटर। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एस्केप टनल का निर्माण किया गया है। देश और दुनिया के चुनिंदा इंजीनियर्स ने अपने कौशल का पूरा इस्तेमाल किया है इस इंजीनियरिंग मार्वल के निर्माण में, जिसे आज देश को समर्पित किया गया। लंबी यात्रा रही है इस टनल के मूर्त रूप लेने की, लेकिन अंततः संकल्प, जिजीविषा, अथक परिश्रम, संघर्ष और प्राकृतिक विषमताओं को पीछे छोड़ते हुए उन पर विजय पाई है मानवीय संकल्प ने, और जिसके परिणाम स्वरूप आज अटल टनल हमारे समक्ष उपस्थित। माननीय प्रधानमंत्री महोदय दक्षिणी छोर जो अटल टनल का है उससे उत्तरी छोर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। उनका काफिला टनल के अंदर धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। जो सामान्य रफ्तार है टनल के अंदर वाहनों की, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है, लेकिन अगर रफ्तार ज़्यादा होती है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार भी वाहन ले सकते हैं, उस पर चलायमान हो सकते हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिदिन लगभग 1,500 ट्रक और 3,000 कारें इस टनल के अंदर से होकर गुजरेंगी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय पूरी उत्कंठा के साथ उन्होंने एक एक चीज का सूक्ष्मता के साथ, गहराई के साथ अवलोकन किया है, और इस समय उत्तरी छोर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जहां से वो शिशु वैली की ओर प्रस्थान करेंगे। वहां पर एक जनसभा के संबोधन का आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय का कार्यक्रम है। उसके पश्चात वहां से वापस लौटेंगे और सोलांग वैली में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मौसम के लिहाज से देखें तो ये इलाका बहुत दुर्गम है और कई बार यहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में इस सुरंग में एवलांच कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाया गया है जो खराब मौसम में भी काम करेगा और लोगों को सुरक्षित रखेगा। रोहतांग पास में एवलांच और लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है, ऐसे में ये सुरंग कई प्राकृतिक आपदाओं को झेलने के लिए पूरी तरह सक्षम है। प्रधानमंत्री इस समय टनल के साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल की ओर जाते हुए, ये दूरी वो महज 10 से 15 मिनट में तय कर लेंगे, लेकिन इस सुरंग से पहले ये दूरी तय करने में 4 से 5 घंटे का समय लगता था। पंजाब विश्वविद्यालय और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने इस टनल में वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए न्यूट्रीनो डिटेक्टर लगाने की भी पेशकश की है। यात्रा सुखद होगी, सुगम होगी और बहुत कम समय में पूरी भी होगी।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि टनल में हर थोड़ी दूर पर कई दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो कि लोग जब यहां से गुजरेंगे तो इन दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। ये एक तरह से यात्रा नियम है। और माननीय प्रधानमंत्री का काफिला